बिस्मिल्ला रखमान में सामने को उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे मज़े में होंगे फिटफाट होंगे और अपनी अपनी ज़िंदगी में सेट होंगे तो आज की जो रेसिपी है ये है क्लब सैंडविच की और मैं आया हूँ काफ़ी दिन बाद तो मैंने कहा सोचा कि आज आपके पास आऊँ और आपको बताऊँ मैं क्यों इतने दिन बाद रेसिपी बनाने आया हूँ मैंने अपना एक व्लागिंग का चैनल स्टार्ट किया जिसमें मैं फूड स्ट्रीट और मतलब और ट्रैवल व्लाग्स बना रहा हूँ तो मेरे उसका लिंक भी अपनी डिस्क्रिप्शन में दूँगा और आप जाके उसको देखिएगा सब्सक्राइब कीजिएगा और मज़े मज़े की वीडियोस आप देखिएगा और मज़े मज़े के फूड स्ट्रीट को आप एक्सप्लोर करिएगा मेरे साथ तो इसीलिए फिर मैंने सोचा कि मैं आपसे काफ़ी दूर हो गया था अब मुझे वापस आना चाहिए अपने व्यूवर्स के पास किचन स्टूडियो पर तो मैं आज आपके लिए क्लब सैंडविच लेके कर आया हूँ तो इसके लिए हम हमें जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ ब्रेड हमें सैंडविच ब्रेड ले लिया है उसके बाद हमने ये चिकन ले लिया ये एक कप चिकन है और ये हम एक मतलब इस जो भी मैं आपको क्वांटिटी बताऊंगा उसके लिए एक कप चिकन काफ़ी होगा फिर ये हमने बटर ले लिया इसको मेल्ट कर लिए म्योनीस ले लिए उसके बाद हमने ये ब्लैक पेपर ले लिया है वाइट पेपर और ये साथ हमने ले लिया है सॉल्ट सॉल्ट ये सब चीज़ें जो हैं ये इस मिक्सचर में डलने के लिए हैं तो चलें सबसे पहले मिक्सचर बना लेते हैं ये एक एक कप चिकन के अंदर हम डालेंगे सबसे पहले ये सॉल्ट जो है ये उसके मुताबिक डलेगा मतलब आपने एक पिंच लेना है ठीक है बाकी अपने टेस्ट के मुताबिक कर लीजिएगा एक पिंच सॉल्ट डाल दिया और ये हमने एक ही पिंच ऑलमोस्ट ली हुई है वाइट पेपर ये हम इसमें डाल देंगे और उसके बाद ये हमारी आ गई ब्लैक पेपर ये आप ये कह लें कि टू पिंचेस होंगी जो हमने ये ब्लैक पेपर ले लिए उसके बाद वन वन टेबल स्पून हम लोग इसके अंदर डालेंगे ये मेल्टेड बटर और बाकी ये फिर आप बाद में इसको ज़्यादा भी कर सकते हैं अगर आपको कम लगे और वन टेबल स्पून ही हम इसमें डालेंगे म्योनीस ये देखें और उसके बाद फिर हम इसको मिक्स कर लेंगे और अगर कम लगे तो आप इसको दोबारा मिक्स ज़्यादा कर लीजिएगा मिक्सचर हमारा रेडी हो चुका है अब इसका जो काम रह गया वो असम्बलिंग का रह गया तो सबसे पहले मैं एक अंडा ले लूँगा उसको मैं इसको मैं बीट कर लूंगा अंडा हमारा बीट हो चुका है अब इसके अंदर जो हमने वन पिंच जो है एक पिंच ये नमक ऐड कर देंगे और ये हमने एक पिंच ही फूड कलर लिया हुआ है इसको भी इसमें ऐड कर देंगे और फिर इसको मिक्स कर लेंगे और अब इसके बाद इस अंडे को हम फ्राई करेंगे वन टीस्पून ऑयल ले लिया उसको जरा सा गरम कर लेंगे हम और इसके बाद इसके ऊपर अंडे को डाल देंगे ऑयल हल्का गरम हो चुका है तो अंडे को फ्राई कर लेते हैं अंडा हमारा फ्राई हो चुका है अभी हम ब्रेड पीसीस को टोस्ट करने लगे हैं सबसे पहले हम ये ले लेंगे बटर और इसको हम ग्रीस कर लेंगे ऐसे पैन को बिल्कुल और उसके बाद हम जल्दी जल्दी अपने पीसीस को टोस्ट कर लेंगे ब्रेड पीस जो है हमारे टोस्ट हो चुके हैं ये देखें ज़बरदस्त कसम के अब हम चले मज़ेदार क्लब सैंडविच बनाते हैं तो सबसे पहले जो हमने करना है हमने इसको ले लेने ये सबसे पहले जो हमने ये म्योनीस लगा लेना इसके ऊपर म्योनीस लग गया उसके बाद हम ले लेंगे ये बैटर चिकन का इसको हम स्प्रेड करेंगे अब हमने चिकन का मिक्सचर लगा दिया अब हमें इसके ऊपर खीरे को लगा देंगे ज़रा प्यारे तरीके से लगाएं ये देखें मेरी तरह स्टाइल बनाना सीखें <laughs> ये स्टाइल बना दिया मैंने अब हम एक और ब्रेड का पीस लेंगे उसके ऊपर हम म्योनीस लगाएंगे थोड़ा ये ये डिपेंड करता है अगर आपको ज़्यादा म्योनीस पसंद है तो उसमें आप ज़्यादा लगा लें अगर आपको कम म्योनीस पसंद है तो कम लगा लें मैं हूँ खाने पीने वाला इंसान टेड मेरा बहुत बार है तो मैं तो खाता पीता हूं जिसपे मैं डांट भी खाता हूं उसके बाद हमने ये लगा दिया ऐसे इसके ऊपर हम रखेंगे लेटस स्लीव इसके ऊपर फिर हम रखेंगे एग ये देखें ठीक उसके बाद जो हमने रखनी है चीज और एंड पे टू नहीं पसंद तो मत डालें पसंद है तो डाल लें और उसके बाद फिर हम इसे अपने लास्ट पीस पे लगाएंगे म्योनीस म्योनीस अब मैं कम ही लगा हूँ क्योंकि नीचे भी लग चुके हैं और ये हमारा क्लब सैंडविच तैयार अब मैं आपको इसको काट के दिखाता हूँ अब मैं आपको सैंडविच बड़े ही अच्छे स्टाइल में काटने का तरीका बताता हूँ उसके लिए आपने लगाने हैं टूथपिक एक ऐसे एक ऐसे, एक ऐसे और एक ऐसे। ये अब सैंडविच हो चुका है अपनी जगह पे। अब हम इसको ऐसे करके ये और फिर ये देखें ज़बरदस्त किस्म का क्लब सैंडविच तैयार हो चुका है बहुत ही आसान और बहुत ही क्विक रेसिपी है इसको अपने घर में ट्राई करें और अपने बच्चों को खिलाएं और वो भी बहुत इसको एंजॉय करेंगे अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें कमेंट करके लाजमी बताएं कि ये रेसिपी कैसी है और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें ताकि आपको और अच्छी अच्छी रेसिपी मिलती रहे हाँ बेलाइकन को लाजमी प्रेस कर दीजिए जैसी है ताकि हम नई वीडियो लगाएँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए तो इसी रेसिपी के साथ अब हम चाहते हैं इजाज़त इन नेक्स्ट रेसिपी में मुलाकात होगी तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ अपना ख्याल रखिएगा और मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा नहीं पहले कभी बोले नहीं ना मैं दोबारा से कर। एक खीरा ऐसे खूबसूरत तरीके से क्या